ये है MCQs ऑफ सेमी कंडक्टर फिजिक्स एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज, और इसकी भी हम 3 to 4 वीडियोस लेकर आएंगे। इसका फर्स्ट MCQ का वीडियो है, इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशंस जो हैं न्यूमेरिकल्स वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थोड़े कम हैं। और फिर वही कहेंगे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए, प्रॉब्लम्स को अपने कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, द लोएस्ट एनर्जी बैंड इज इन सॉलिड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फर्मी लेवल एंड इक्वल लेवल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये सभी को पता होगा, इसका आंसर भी सब लोग ने सही टिक कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है लोएस्ट एनर्जी लेवल बैंड इज सॉलिड इज वैलेंस बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ प्योर इंसुलेटर कंडक्शन बैंड इज फुल्ड, एम्प्टी, सेमी फिल्ड एंड लास्ट इज सिमिलर टू कंडक्शन बैंड, सिमिलर टू वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी इन प्योर इंसुलेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी गैप इज ओवरलैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन इंसुलेटर, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड सुपर सेमी कंडक्टर्स। टाइम स्टार्ट्स नाउ। और ये भी आसान है कि जो ऑर्बिटल गैप यानी कि एनर्जी बैंड गैप होता है वो किसके अंदर ओवरलैप करता है, तो यस दैट इज कंडक्टर्स में ओवरलैप करता है, बैंड गैप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वैलेंस बैंड मस्ट हैव टू इन ऑर्डर टू जम्प फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप, एनर्जी पोर, फर्मी लेवल। और टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन तीन ही हैं यहाँ पे, हमें वो लेवल बताना है जिसको जम्प करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँचते हैं और उसको हम एनर्जी गैप या फॉरवर्डन गैप कहते हैं। तो ये ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट जीरो कैल्विन सेमी कंडक्टर्स आर परफेक्ट मेटल्स, परफेक्ट सेमी कंडक्टर, परफेक्ट नॉन मेटल्स, परफेक्ट इंसुलेटर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जीरो डिग्री कैल्विन पे सेमी कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करते हैं? यस, करेक्ट ऑप्शन है परफेक्ट इंसुलेटर्स। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो एक भी अभी तक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं आया, सारे थ्योरी वाले ही क्वेश्चन है। प्योर सेमी सिलिकॉन्स एट जीरो कैल्विन इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मेटल और इंसुलेटर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये तो अगर ध्यान से देखें तो किसी क्वेश्चन का रिपीटेशन है, बस यहाँ पे मटेरियल का नाम लिख दिया है तो सही पहचान रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन का ही रिपीटेशन है, वहाँ सेमीकंडक्टर लिख दिया था, यहाँ प्योर सिलिकॉन लिख दिया है, तो आंसर वही रहेगा डी ऑप्शन इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर जीरो कैल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवलेंट बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू 1 eV, इज इक्वल टू विड्थ ऑफ ऑर्बिटल गैप, इज ग्रेटर इन जर्मेनियम देन सिलिकॉन और इज सेम इन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, सेम होती है। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करने में सेमीकंडक्टर में, किसके बराबर होगा? यस, ऑर्बिटल गैप की विड्थ के बराबर, तभी तो इलेक्ट्रॉन जंप करके फिर कंडक्शन बैंड से वैलेंस बॉन्ड में जाएगा। वैलेंस बैंड में इज इक्वल टू विड्थ ऑफ ऑर्बिटल गैप। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अबव फर्मी लेवल एट 0 केल्विन इज 0%, 25%, 50% एंड 100%। ऑप्शन आ गए हैं और ये मैंने क्वेश्चन आपको कराया है जब सेमीकंडक्टर पढ़ाया था। वीडियो नहीं है इसकी अभी, लेकिन क्लास में कराया था तो आप लोगों को याद होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन अबव फर्मी लेवल 0 डिग्री केल्विन पे जो है 0% होती है। फर्मी लेवल से ऊपर के सारे जो स्टेट्स हैं वो एम्प्टी होते हैं और फर्मी लेवल से नीचे के सारे स्टेट कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और ये हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, और ये बीच में एनर्जी बैंड गैप।
फर्मी लेवल वो लेवल होता है सेमी कंडक्टर में जिसमें 0 केल्विन से ऊपर के सारे एनर्जी स्टेट्स एम्प्टी होते हैं और उससे नीचे के सारे स्टेट्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेंसी द इलेक्ट्रॉन बिलो द फर्मी लेवल 0 केल्विन पे 0%, 25%, 50%, 100% टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी प्रीवियस स्लाइड में ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, उसमें फर्मी लेवल से ऊपर का पूछा था, अभी फर्मी लेवल से नीचे का बोला। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फर्मी लेवल वो लेवल होते हैं जिससे नीचे के सारे स्टेट्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं एट 0 केल्विन पे। 100% आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज टर्म एज फाइनाइट एनर्जी बैंड, काइनेटिक एनर्जी बैंड, फॉर्बिडन एनर्जी बैंड, ग्रेविटेशनल बैंड और टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सही कर लेंगे मुझे पता है। और यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड, उसको एनर्जी गैप को हम ये भी बोलते हैं जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ द बैंड गैप एनर्जी। डायमंड सिलिकन कॉपर, डायमंड सिलिकन कॉपर हैं और ऑप्शंस हैं डायमंड इज ग्रेटर देन सिलिकन ग्रेटर देन कॉपर और डायमंड लेस देन सिलिकन लेस देन कॉपर, डायमंड लेस देन सिलिकन ग्रेटर देन कॉपर, डायमंड ग्रेटर देन सिलिकन लेस देन कॉपर। और टाइम स्टार्ट हो गया है। तो किसका बैंड गैप कितना होता है ये अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। आपको अगर ये पता है ये मटेरियल किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, तो भी आप इसका करेक्ट ऑप्शन दे देंगे। सिलिकन एज यू नो कि जो है सेमी कंडक्टर है तो बीच में ही रहना है, कॉपर मटेरियल है इसमें जो बैंड गैप है ओवरलैप करता है और डायमंड जो है इंसुलेटर है। तो करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन आएगा, डायमंड का बैंड गैप सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकन का सबसे कम और कॉपर में ओवरलैप करेगा। बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली एंड नॉट टाइट टू एनी एटम गिवन एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, न्यूक्लियस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन इजिली मूव कर सकता हो उस बैंड को, एटम्स में और किसी भी एटम से टाइट ना हो, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन जंप करता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड और कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर लेता है, फ्रीली मूव करता है। तो हम लोग आ गए हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। इन मैटर इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इजीली। इन सेमी कंडक्टर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इन सेमी कंडक्टर इज प्योर इंसुलेटर एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। इन इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जम्प फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। टाइम स्टार्ट हो चुका है और आपको इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि रूम टेम्परेचर पे क्या इनकरेक्ट है यहाँ पे। तो यस, इसका करेक्ट ऑप्शन है इन सेमी कंडक्टर इज अ प्योर इंसुलेटर एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द सेमी कंडक्टर। अ चार्ज कैरियर में भी आइदर पॉजिटिव होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जी डोप्ड एसआई इज अ पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन एन पी टाइप सेमी कंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, डोपिंग एसआई विद आर्सेनिक इंट्रोड्यूस अ डोनर लेवल बिलो कंडक्शन बैंड। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है सेमी कंडक्टर का और सीधा सीधा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यहाँ पे इंट्रिंसिक लिखा है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हम सीरीज को एंड करते हैं, वीडियोस को, आज की वीडियो को एंड करते हैं और अभी सेमीकंडक्टर्स की और वीडियोज आएंगी। तो होपफुली कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्दी विद इन 2-3 डेज हमारी सारी वीडियोस अपलोड हो जाएं सेमीकंडक्टर की। पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।